हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मेरे गार्डन में फ्लावरिंग हो रही है। तो इस समय काफ़ी गर्मी बढ़ गई है और बहुत तेज़ धूप हो गई है। अभी 9 AM ही हुआ है और आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ धूप है। तो चलिए आज आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ अपने गार्डन का कि मैंने क्या सेटिंग करी है और कुछ DIY जो मैंने बनाए हैं अपने गार्डन में, तो उनका भी मैं एक व्यू आपको दे देती हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले मॉस रोज के पास, जो बहुत ही अच्छे से खिले हुए हैं इस समय। तो आज ढेर सारी ब्लूमिंग आई हुई है। आप पीच कलर के पॉट में देखिए कितनी ढेर सारे फ्लावर दिए हैं इसने, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और येलो शेड की भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, बिल्कुल भरा हुआ है पॉट। तो कलियाँ धीरे धीरे से निकल रही थी, इक्का दुक्का ही फ्लावर खिले थे, पर आज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग आई हुई है। और ये डार्क पिंक शेड, इसे हम रानी शेड भी बोलते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। वाइट की भी ब्लूमिंग आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर दिए हुए हैं। तो अच्छी खासी ब्लूमिंग दी हुई है। और रेड में भी आप देख सकते हैं, हैं थोड़े बहुत फ्लावर हैं पर इनके कंपेरिजन में बहुत ही कम हैं। तो इस तरह से कुछ व्यू आ रहा है फ्लावरिंग का। और इधर भी आप देख सकते हैं ग्लाडिया का पॉट बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग कर रहा है। पिंक शेड के भी मॉस रोज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने एक बनाया है DIY, कहते कि जो बैम्बू होती है, जो बैम्बू की लेडर होती है, उससे मैंने एक स्टैंड बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने हैंगिंग प्लांटर टांग रखे हैं, जो बैम्बू सीढ़ी आती है इस तरह से, वो मैंने कट करके इस तरह से बना दी है, क्योंकि इन प्लांटर्स को मैं यहाँ टांग नहीं सकती हूँ, पर इस तरह से मैंने इन्हें टांग दिया तो ये बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग चल रही है, सनफ्लावर भी खिल रहा है और हिबिस्कस भी चल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से व्यू आया है। और साथ में ये आप देख सकते हैं मैंने ये DIY मशरूम बनाए हैं, ये कोकोनट से बनाए हैं, जो कोकोनट की शेल होती है उससे बनाए हैं। और इधर भी आप इसकी फ्लावरिंग देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर सनफ्लावर लगाए हैं। तो सनफ्लावर इस समय बहुत चलता है गर्मी के समय, ये मिनी सनफ्लावर है, इस समय आपको इसके प्लांट मिल जाएंगे अगर आप नर्सरी में देखें तो, इसलिए मिल जाते हैं, ये समय सीजन है इनकी फ्लावरिंग का। और इधर भी ग्लाडिया के प्लांट खिले हुए हैं। इधर मेरा सेक्शन आ जाता है कोचिया के प्लांट का, और कनेर के साथ मैंने कोचिया के प्लांट रखे हुए हैं कुछ इस तरह से। और इधर भी आप देख सकते हैं ग्लाडिया लगा हुआ है, इसमें भी बहुत ही खूबसूरत से सनफ्लावर लगे हुए हैं, इधर भी मैंने लगा रखे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग कर रहे हैं, ढेर सारी ब्लूमिंग के साथ है मेरा गार्डन इस समय, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टायर प्लांटर में भी मैंने ये मॉस रोज लगा दिए हैं कटिंग लेके, तो ये बहुत जल्दी लगने वाले प्लांट होते हैं, कटिंग से ईजिली लग जाते हैं। और इधर आप ये देख सकते हैं कनेर में भी अच्छी सी फ्लावरिंग आ रही है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से खिले हुए हैं सनफ्लावर, कितने लंबे हो गए हैं, बिल्कुल इसके कनेर के पॉट में निकले हुए हैं और काफ़ी अच्छे से देखिए ब्लूमिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो काफ़ी इसमें बड आई है। और इधर आप चंपा भी देख सकते हैं, इनमें भी अच्छी खासी फ्लावर बड आ चुकी है, ये देखिए इस तरह से कुछ आई हुई है। तो चंपा भी मेरे काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। और इधर भी आप सनफ्लावर देख सकते हैं, तो ढेर सारी ब्लूमिंग के साथ सनफ्लावर है भी चंपा में, आप ब्लूमिंग देख सकते हैं। तो इसको मैंने इधर रख दिया है, तो पूरा एक व्यू आपको दिखा देती हूँ गार्डन की फ्लावरिंग का, जो मेरे टेरेस गार्डन पे हो रही है इस तरह से। चंपा भी आप देख सकते हैं, रेड चंपा भी अब काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, येलो ने तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करी हुई है, वाइट में भी काफ़ी अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं नाग चंपा का तीसरा प्लांट है और इसमें भी अच्छी सी ब्लूमिंग हुई है। और पीछे ये देखिए वाइट चंपा। और ये आ जाता है आलूमांडा, रेड शेड का आलूमांडा है, इसकी भी फ्लावरिंग बहुत पहले मैंने शेयर की थी पहले वाले वीडियो में, तो साइड में आप इसके फ्लावर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी इसमें खाली फ्लावर बड्स ही आई हैं। पूरा व्यू पूरे गार्डन का कुछ इस तरह से है। और इधर मैंने लगा रखा है कोचिया के ढेर सारे प्लांट, कनेर के ही नीचे लगा दिए हैं,
तो आप देख सकते हैं सारे पॉट मैंने एक ही जगह पे रख दिए हैं। और इधर मेरा आ जाता है ये वेल, इसके अंदर भी अब फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होने लगी है। ये आप देख सकते हैं है? कुछ फूल इसमें खिलने लगे हैं, कुछ खिल के ओवर भी हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे पूरे गार्डन का व्यू आप देख सकते हैं। इधर मॉस रोज और कहते ग्लाडिया के, कनेर के, नागचंपा के फ्लावर खिले हुए हैं। और इधर आ जाता है ये कहते कि कोचिया और कनेर का पूरा जोन है, यहाँ पे पूरी फ्लावरिंग चल रही है। इधर भी मैंने कुछ सनफ्लावर के प्लांट रखे हुए हैं, तो इधर आप देख सकते हैं। तो कोचिया बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन लुक देने वाले प्लांट होते हैं ये। और ये देखिए, और इधर आप ट्रम्पेट की भी ब्लूमिंग देख सकते हैं, ये भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग पे है। तो अभी सारे फ्लावर्स पे झड़ने लगे हैं और फिर इसी बंच के अंदर नए नए फ्लावर बनने लगेंगे। तो कुछ इस तरह से फ्लावरिंग करती है। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है पूरे फ्लावरिंग का, तो बहुत अच्छे लगते हैं समर में जब सारे फ्लावर खिले होते हैं। और सबसे अच्छे तो अट्रैक्शन का ये होते हैं मॉस रोज, जिसको बहुत अच्छे से लगते हैं जब खिले होते हैं। और इधर आ जाता है ये चाइनीज़ मॉस रोज का जोन, जहाँ मैंने ये सारे पॉट लगा रखे हैं कुछ इस तरह से। तो इनकी भी आज ब्लूमिंग देखते ही बनती है, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। देखिए खूब अच्छे से ब्लूमिंग आई है, इधर पूरे पॉट मैंने लगा दिए हैं। तो इधर भी आप देखिए कितना लुक अच्छा आ रहा है सनफ्लावर का इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है, सनफ्लावर के प्लांट खिले हुए हैं। तो पूरे गार्डन का एक होल व्यू इस तरह से कुछ फ्लावरिंग हो रही है मेरे गार्डन में, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लुक आता है जब फ्लावर पूरे खिले होते हैं। और ये समर की फ्लावरिंग है, ये सब सीजनल फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। और परमानेंट प्लांट की भी मैंने फ्लावरिंग दिखाई है, तो आप नागचंपा की भी फ्लावरिंग देखे, काफ़ी अच्छे से हो रही है। और इधर भी आप नागचंपा का प्लांट देख सकते हैं। तो पूरा व्यू इस तरह से कुछ आ रहा है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।